गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। टुडे इज 30 एंड अगेन देयर इज नो सन आउटसाइड। बहुत ठंडी हो रखी है बाहर आज भी। और वैसे मेरी मम्मी बोलती है कि 40 दिन का चिल्ला होता है कुछ, जिसमें रेगुलरली ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें धूप नहीं निकलती। अब देखते हैं 40 दिन तक क्या होता है। हाँ जी, सो मैं नहा चुकी हूँ, आज हेयर वॉश किया है मैंने। सो टाइम इज 11:30। अगेन आई एम लेट, आई नो। तो अभी मैं नाश्ता करूँगी, थोड़ा सा योगा किया था मैंने, एक योगा रहता है वो करते हैं। सो हेयर वॉश करने के बाद मैं धूप में नहीं जा सकी क्योंकि धूप थी नहीं, तो मम्मा ने बोला कि शॉल का यूज़ करके हम अपने हेड को कवर करके अपने बालों को सुखा सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल वैसे किया है, फिर मेरे बाल नहीं सूखे। विंटर्स में ये दिक्कत होती है और मैं ड्रायर यूज़ करना प्रेफर नहीं करती, बिकॉज इट कैन डैमेज आर हेयर। सो आई हैव मेड दिस पेंटिंग बिफोर और ये मेरे को न्यू ईयर के बाद देनी है, मतलब ये पेड़ पेंटिंग है और इसमें थोड़े से यहाँ पर ब्लैकनेस आ गई जिसकी वजह से थोड़ा सा गंदी लग रही है, तो मेरे को ये थोड़ी ठीक करनी है। मैं इसको ठीक करती हूँ। सो यहाँ पे जो ब्लैकनेस हो रही थी वहाँ पे मैंने कलर कर दिया और ये अब रेडी हो गई है पेंटिंग। मैं इसको न्यू ईयर के बाद दे दूँगी। अब हेयर आई एम मीटिंग क्रिसमस केक। ये अक्षु लाई है कुंदन स्वीट्स से। मम्मी पापा के लिए बता दो। अच्छा, ये मेरा थर्ड पीस है सिर्फ। अक्षु भी बाहर गई हुई है तो मैं सोच रही हूँ मैं एक और पीस खा लेती हूँ, उसको नहीं पता चलेगा। I swear this is my last piece, huh? वैसे इतना सा करके पता नहीं चल रहा, बहुत टेस्टी है यार ये। एक्चुअली इसमें इतने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स है ना, मुझे बहुत ही लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा एम है। आई डोंट नो स्लैश, बहुत ही ज़्यादा एम है। क्या मैं एक और पीस ले लूँ? क्या मैं एक और पीस ले लूँ? थोड़ा सा ले लेती हूँ, इतना सा लूँ। कमाल, जल्दी आ जा। ग्रेट, रख दिया यार, देख रख दिया। सीरियसली मैंने सिर्फ वही पीस खाया था। सो टाइम इज 4:40। हाँ, 4:40। अब मैं लूंगी अपनी एक क्लास। टुडे आई विल स्टडी अबाउट वोल्टेरा एंड फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशंस। पता नहीं आप लोगों को ये पता होगा, मैथ्स का सब्जेक्ट है, इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर ये टॉपिक्स आते हैं, तो इसके ऊपर मैं अपना सेकंड सेशन लेने जा रही हूँ। मिलते हैं बाद में। एक बच्चा है, एक एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा है, ठीक है, 12th क्लास में उसके 85% बने है ना। दूसरा बच्चा है 12th क्लास में 56% बने, राइट। इसने गवर्नमेंट एग्जाम दिया क्लर्क का, बैंक का क्लर्क का। तीन बच्चे ले लेते हैं, एक को ले लेते हैं। 12th क्लास है, इसके 70% है, ठीक है ना। इन तीनों ने बैंक का एग्जाम दिया, इसने भी बैंक का एग्जाम दिया, इसका भी बैंक एग्जाम दिया, क्लर्क का है ना, बैंक का। इसका सिलेक्शन हो गया, ये बैंक का क्लर्क बन गया। मिठाइयां बटी, सब लोग खुश, शादी मतलब नौकरी लग गई है, वो बढ़िया, ये थोड़ा इंटेलिजेंट है ना, सगाई वगैरह भी होगी, शादी भी होगी, ये दोनों फर्स्ट क्लास में। साला हमारा कुछ नहीं हुआ। इस भाई ने क्या करा, निकाल दिया, बैंक भी निकाल दिया। भाई साहब ये फिर फेल हो गया, कुछ नहीं हुआ मेरा तो, परसेंटेज कम थे थोड़ा सा, दूसरे काम में एक्सपर्ट था आदमी, ये दूसरे काम में एक्सपर्ट था पढ़ाई में, ठीक है, पढ़ लेता, पर मतलब बोरी बात नहीं। ये भाई साहब बैंक पीओ बन गए, राइट। ये क्लर्क बना, ये बैंक पीओ बना, ठीक है ना। सक्सेस लेट मिली, वैसे बड़ी सक्सेस मिली, राइट। ये भाई साहब इन्होंने थोड़ी और मेहनत करी, कुछ हुआ नहीं। भाई साहब को लगा कि नहीं, असल अपने को बड़ा ही करना है, कुछ छोटा मोटा नहीं। फर्स्ट अटैम्प्ट फेल, सेकंड अटैम्प्ट फेल, थर्ड अटैम्प्ट भाई साहब ऑफिसर बन गए, आरएस ऑफिसर बन गए, बहुत मारा नहीं यार, क्लियर है। तो यार ये इनसे भी बड़ी सक्सेस है। तो होता क्या है कि जब समय लेते हैं ना तो सक्सेस बड़ी होती है, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव और आप मेहनत कर रहे हो, समझ मारा कि नहीं यार, ये ध्यान देने की जरूरत है, राइट। तो इसको लेकर डिमोटिवेट, जिससे बंदे को सक्सेस जल्दी मिल गई। सो गाइज, वी आर गेटिंग रेडी फॉर अ डिनर। और डिनर IIT में है, एक बर्थडे सेलिब्रेशन है। मम्मा बोल रही है ये अच्छी नहीं लग रही। मम्मा एक्सप्लेन, चली गई। मम्मा बोल रही है कि अच्छी नहीं लग रही। वेट, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो आई हैव वियर दिस। मम्मा बोल रही है कि ये स्वेटर अच्छा नहीं लग रहा, अब पता नहीं क्या करें, बट मैं यही पहनूंगी। वी ऑल आर रेडी। वाशु इज हियर, से हाय। हाय। राशि इज देयर विद अक्षु and Ruta is inside, he is also coming, let's go। so we have decided ki hum paddle chalenge kyunki paas mein hi hai, walk bhi ho jayegi, thandi bhi hai na, so paddle chalna is good for health too, aur mausam ke hisab se bhi paddle sahi hai। again it's foggy night, ha
ठंडी बहुत ज्यादा हो रही है। सबसे बड़ी दिक्कत ना यार यहाँ से निकलने की होती है, ये जो IIT का गेट है ना यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा रहती है। यहाँ पे पहले या तो कार्ड दिखाना पड़ता है, कार्ड नहीं तो फिर स्टिकर होना चाहिए आपके व्हीकल पर स्टाफ का, और हम स्कूटी से आए नहीं फिर एंट्री करवाओ कभी कुछ कभी कुछ। ह्यूज सिरदर्द, ह्यूज सिरदर्द। सो एंट्री मिल चुकी है, हमने बोल दिया था कि वी आर स्टाफ मेंबर्स तो उन्होंने आने दिया, और यहाँ पर हमको चाचा जी मिलेंगे फिर हम अंदर जाएंगे। ये साइड में हॉकी फील्ड है, यहाँ पर रिसेंटली इतनी लाइट्स लगाई गई है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर मीट हुआ था सभी IITs का, जितनी भी नेशनल IITs हैं स्पोर्ट्स मीट हुआ था उनका, तो वहाँ मतलब यहाँ पर सारी IITs आई थी। सो ये रोज़ गार्डन भी है, यहाँ पर बहुत सारे रोजेज़ हैं, यू कैन सी लाइट पिंक ऑरेंजिश, और वहाँ पर पिंक भी है रेड भी है आई थिंक, इसलिए इसको रोज़ गार्डन भी बोलते हैं। सो इट्स 9 ऑलमोस्ट, डिनर डन, बस अब जा रहे हैं घर, कॉफ़ी पी रही है बहन, उसके बाद घर चलते हैं और अब जा रहे हैं हम घर। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस ब्लॉग, इफ यू डिड देन गिव इट अ थम्स अप, डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्प्रेड लव। टाटा।